तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड फैंटासी चैनल स्मार्ट फैंटासी पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत सिंपल है। मैं हर एक प्लेयर्स के बारे में आप लोगों को डायरेक्ट बता दूंगा कि किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है और कौन सा प्लेयर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई करना है। और हर एक प्लेयर्स को लेने के पीछे या ड्रॉप करने के पीछे लॉजिकली एनालिसिस करके भी दूंगा। तो अगर आज का मैच में आपको बड़ा अमाउंट विन करना है तो हमारा इस छोटा सा वीडियो को ना शुरू से लेकर एंड तक वॉच कर लो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत पीछे हो। बट कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद चला जाना इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको लिंक मिल जाएगा। बस लिंक पे क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जिस मैच का हम वीडियो अपलोड नहीं करते हैं उन सभी मैचेस का फाइनल टीम आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, सभी स्पोर्ट्स का फाइनल टीम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। तो जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अब हम मैच प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना ड्रीम इलेवन को ओपन करके आप लोगों को टीम बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको कि इस मैच में किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है और कौन सा प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है। जब आप लोग अपना अपना ड्रीम इलेवन ओपन करोगे तब विकेट कीपर सेशन पे आप लोगों को टोटल 3 प्लेयर मिल जाएगा जो कि इस मैच में खेल सकते हैं। बट हमें यह जानना जरूरी है कि 3 प्लेयर में से किस प्लेयर को लेना है और किस प्लेयर को रिमूव करना है, और ये हम तभी जान पाएंगे जब हम हर एक प्लेयर्स के लेके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, मेरा जो फर्स्ट चॉइस रहेगा वो रहेगा मैथ्यू वाडे, दूसरा रहेगा, सेकंड चॉइस रहेगा साहा, तीसरा रहेगा दिनेश कार्तिक। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसे देखो साहा का सिलेक्शन 87% है और दिनेश कार्तिक का सिलेक्शन 45 है और मैथ्यू वाडे का 17 है। बट मैं फर्स्ट ऑप्शन पर रख रहा हूँ मैथ्यू वाडे को। उसका रीज़न यही है कि दिनेश कार्तिक का जो हेड टू हेड का रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है, साहा का भी जो एवरेज है वो 19 का एवरेज है। अब प्लेयर बैटल दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, दिनेश कार्तिक को रोशिद खान ने 2 बार आउट करके रखा है। रोशिद खान भी मिडिल ऑर्डर का बॉलर है, दिनेश कार्तिक भी मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। तो दोनों मतलब बैट्समैन और बॉलर उस सिचुएशन में खेलेगा तो रोशिद खान इसको आउट कर सकते हैं। शामी ने दिनेश कार्तिक को 1 बार आउट करके रखा है। साहा के साथ अगर हम प्लेयर बैटल देखें तो साहा ओपनर है और इधर हर्ष पटेल जो कि 2 बार आउट करके रखा है, दोनों ओपनर बैट्समैन और ओपनर बॉलर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच में साहा और दिनेश कार्तिक अच्छा कुछ करेगा। अगर करेगा तो 20-25-30 तक मैक्सिमम पॉइंट देगा। तो मैं इस मैच में मैथ्यू वाडे को लेकर जाऊंगा। बाकी अगर क्रेडिट का प्रॉब्लम आएगा या और कोई अगर ऑप्शन रहेगा तो मैं ट्राई कर लूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग कॉम्बिनेशन देखते रहिए। बैट्समैन पे हम आ जाते हैं, डुप्लेसिस है, मिलर है, गिल है, विराट कोहली है, पतिदार है। तो डुप्लेसिस के बारे में अगर हम जाने तो इसको हार्दिक पांड्या ने 1 बार आउट किया, रोशिद खान ने 2 बार, मोहम्मद शमी ने 3 बार, लोकी फर्गसन ने 1 बार। मतलब हर एक बॉलर्स ने डुप्लेसिस को आउट करके रखा है। तो अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो ना तो इसको तो आपको पिक करना ही पड़ेगा। लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं बट हम इसको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएंगे, जस्ट टीम पर रखेंगे, ठीक है। बाकी डेविड मिलर का भी सिलेक्शन काफ़ी हाई है, 57 है। इससे पहले वाला मैच में इससे भी ज़्यादा था, 70+ इसका सिलेक्शन था। तो इसको दोस्तों अगर हम देखें प्लेयर बैटल तो मैक्सवेल ने 1 बार, हाजेलहुड ने इसको 1 बार आउट करके रखा है। मतलब ठीक ठाक है, इसका अगर बैटिंग आएगा अगर थोड़ा ज़्यादा खेलने का चांस मिलेगा तो ये बंदा आज के मैच में अच्छा कुछ कर सकता है, ट्रम्पिक साबित हो सकती है। और इनका जो हेड टू हेड का रिकॉर्ड है 12 मैचेस खेल के 251 का इसका टोटल स्कोर है, 25 का एवरेज है, ठीक ठाक है। बट अभी मैं इसको नहीं लूँगा, अगर मुझे प्लेयर चाहिए तो मैं इसको लूँगा, ठीक है। बाकी सुमन गिल, इनका अगर हम हेड टू हेड का रिकॉर्ड देखें काफी सही है, ठीक ठाक है, 25 का एवरेज है और हर्ष पटेल ने इसको 1 बार आउट करके रखा है। अगर ये हर्ष पटेल को मतलब थोड़ा टिक कर खेल गया तो इस मैच में बड़ा इनिंग्स खेल सकते, तो अभी मैं सुमन गिल को पिक करूंगा। बाकी रहा और एक प्लेयर विराट कोहली। विराट कोहली की अगर हम बात करें, आप लोगों ने भी देखा इस सेशन पे इसका जो परफॉर्मेंस रहा काफ़ी खराब रहा, ठीक है। तो इसको हार्दिक पांड्या ने 1 बार आउट किया, रोशिद खान ने 1 बार, लोकी फर्गसन ने 1 बार, शामी ने 4 बार आउट करके रखा है। शामी जो कि ओपनर एक बॉलर है और विराट कोहली ओपनर बैट्समैन है। तो दोस्तों समझ रहे हो कि इसको शामी आज भी आउट कर सकते हैं। अगर ये शामी को सही से खेलेगा तो ये भी आज बड़ा इनिंग्स खेल सकते हैं। तो सेफ ऑप्शन के लिए मैं अभी विराट कोहली के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी पतिदार हर एक मैच में थोड़ा बहुत स्कोर कर रहे हैं, 20-25-30-50-60 करके पॉइंट दे रहे हैं, तो अभी मैं इसको स्किप करके जाऊंगा। तो अभी के लिए मैंने पिक किया मैथ्यू वाडे, विराट कोहली, डुप्लेसिस और एस गिल। मैं स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, बाकी जो भी जीएल कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, ठीक है। ऑलराउंडर पे मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या दोनों को लेके जाएंगे।
अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैक्सवेल ना बैटिंग में अगर नहीं कुछ कर पाए ना तो बॉलिंग से कुछ कर सकती है, इसको अगर बॉलिंग करने का चांसेस मिले तो। मुझे लग रहा है कि बैटिंग से ये बंदा पूरी तरह से फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि रशीद खान ने इसको एक बार, लोकी फर्गुसन ने एक बार और शामी ने चार बार आउट करके रखा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो, शामी ने विराट कोहली को भी चार बार, मैक्सवेल को भी चार बार, ठीक है। तो शामी बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी हार्दिक पांड्या को मैं ले रहा हूँ, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जो हेड टू हेड का स्टेट है, 13 मैचेस खेल के 233 से 39 का एवरेज है। एच पेटन ने इसको दो बार आउट करके रखा है, इनके अलावा कोई बॉलर से इसको खतरा नहीं है, तो मैं हार्दिक पांड्या को अभी पिक करके जा रहा हूँ और ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बॉलर सोशन पे, तो इसमें हम रशीद खान को पिक करेंगे, क्योंकि रशीद खान हर एक बैट्समैन को आउट करके रखा था। उसके बाद हम पिक करेंगे मोहम्मद शामी को, मोहम्मद शामी ने भी हर एक बैट्समैन को दो चार बार करके आउट कर रखा है। नेक्स्ट हम पिक करेंगे एच पेटेल ने भी हर एक बैट्समैन को एक बार दो बार करके आउट करके रखा है। तो अभी के लिए हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कुछ इस प्रकार बन रहा है, और अभी भी हमें चाहिए दो प्लेयर, ठीक है। तो दोस्तों दो में से हम एक प्लेयर को पिक करेंगे हसरंगा को, क्योंकि हसरंगा एक ऐसा बॉलर है हर एक मैच में इसको मिनिमम एक विकेट मतलब 35 पॉइंट आपको देकर जाएगा, इतना आप लोग भरोसा कर सकते हो। तो अब हम चाहिए सिर्फ एक प्लेयर और हमारे पास है 9.5 क्रेडिट। तो ये जो 9.5 क्रेडिट में हमें एक प्लेयर चाहिए, आप लोगों के पास ऑप्शन है हाजेलहुल है, लोकी फर्गुसन है। लोकी फर्गुसन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, इनका जो सिलेक्शन है आप लोग भी देख सकते हो कितना घट चुके हैं, लगभग 9% है, ठीक है। तो दोस्तों इसने ना हेड टू हेड में 5 मैचेस खेल के 7 विकेट लेके रखा है, तो आप लोग लोकी फर्गुसन लेके कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार बना सकती हो। बाकी डिपेंड कर रहे दोस्तों, अगर आप लोग जाना चाहते हो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, तो जैसे मैं आप लोगों को बताया था मिलर के बारे में और पोतीदार के बारे में, तो आप लोग मिलर को लेके भी इस तरह का कॉम्बिनेशन आप लोग बना सकते हो। तो अभी उसके बाद आप लोग साहा को भी, अगर आप लोग चाहते हो कि 20-25-30 आराम से हमें कोई एक बैट्समैन पॉइंट दे दे, तो आप लोग साहा को भी ट्राई कर सकते हो। तो जहां पर मैंने मैथ्यू वाडे को लिया, तो मैं साहा को स्किप करूंगा, और उसके बाद अगर इनका टीम पहले बैटिंग करेगा जीटी का टीम, तो मैं मिलर के साथ जाऊंगा, और अगर जीटी का टीम अगर बाद में अगर बैटिंग करेगा मतलब पहले अगर बॉलिंग करेगा, तो मैं लोकी फर्गुसन के साथ जाने वाला हूं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार बन जाएगा, अभी मैं लोकी फर्गुसन के साथ जाऊंगा। अब आते हम कैप्टन और वाइस कैप्टन पे। इस मैच में मेरा कैप्टन रहेगा हार्दिक पांड्या, जो कि किसी ने नहीं बनाएगा, क्योंकि ये मतलब लगातार फ्लॉप हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इनका जो हेड टू हेड का एवरेज है वो काफी सही रहा है, इसलिए मैं कैप्टन बनाकर जाऊंगा। वाइस कैप्टन के लिए आप लोगों के पास काफी सारा ऑप्शन है, बॉलर्स डिपार्टमेंट पे रशीद खान जो कि बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा, उसके साथ साथ हसरंगा भी बेस्ट ऑप्शन बनेगा, एच पटेल, मोहम्मद शमी, हर एक बॉलर्स, ये जो टॉप फोर का जो बॉलर्स आप लोग देख रहे हो ना, ये टॉप फोर बॉलर्स आप लोगों का वाइस कैप्टन के लायक है। बाकी ऐसे आप लोग अगर सेफ जाना चाहते हो तो विराट कोहली, डू प्लेसिस में से किसी एक को बना सकती हो। तो अभी के लिए मैं सुमन गिल, नहीं तो दोस्तों रशीद खान, ये दो मेरा ऑप्शन रहेगा, तो मैं अभी के लिए रशीद खान को मैं बनाकर जाऊंगा। तो कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार है, और मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो, बाकी लाइन अप आने के बाद अगर कोई प्लेयर नहीं खेलेगा, कुछ भी अगर चेंजेस होगा, तो उसका फाइनल अपडेट हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए।